नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे खट्टा बेसन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। खट्टा बेसन के लिए लेंगे टमाटर। मसाले में हम लेंगे राई, जीरा, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, लहसुन और ये थोड़ा सा हम बेसन लेंगे। कढ़ाही में डाल देंगे तेल। तेल को गरम हो जाने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे राई हाफ चम्मच, हाफ चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं और ये डाल देंगे लहसुन, 8-10 कली लिए हैं। अब इसमें हम एक प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हम हाफ चम्मच लेंगे हल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर के साथ डाल देंगे नमक। टमाटर को गल जाने देंगे। इसमें हम 7 से 8 टमाटर लिए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। हम इसमें 4 चम्मच ले रहे हैं। इसको भी हम भून लेंगे मीडियम स्लो में। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको मीडियम स्लो में हम भून लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट भून लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू जब आने लगे उस समय हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारे बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हम इसको मीडियम स्लो में कम से कम 15 से 20 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसका हम पतला घोल तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, मिलाते जाएंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। हम इसमें 1 कप पानी डाल दिए हैं। 1/2 कप पानी और डालेंगे। इसका घोल पतला होना चाहिए। अब इसको हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे। ये देखिए हमारे बेसन में उबाल आ गया है। अभी हम हाई फ्लेम पे रखे हैं और ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। इसको अभी और पकाएंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए अभी घोल हमारा बहुत पतला है। अभी इसको और पकाएंगे, इसको चलाते रहेंगे। इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे।
अब इसको हम स्लो में पकाएंगे, मीडियम स्लो में, और इस तरह चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इसके लिए टमाटर जो है पका होना चाहिए। टाइट नहीं होना चाहिए टमाटर, इस तरह घोटते रहेंगे। और ये पूड़ी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई ज़रूर करें। इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती, और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए,